भारत के पश्चिम में स्थित एक 75 साल का अस्थाई देश, जिसको वहाँ की प्रजा नहीं बल्कि सेना चलाती है और जो हाल में कई टुकड़ों में बिखरने की कगार पर है। वहाँ से ये समाचार आ रहे हैं, पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में स्थित डेरा गाजी खान एक ऐसी जगह है जहाँ पर ऐसा अनुमान है कि उनके न्यूक्लियर एसेट्स वहाँ पर अंडरग्राउंड स्टोर किए गए हैं। उस जगह पर कल एक सोनिक बूम सुनाई दिया था जो तकरीबन वहाँ से 30 से 50 किलोमीटर दूर तक सुनाई दिया था। सोनिक बूम सामान्यतः तब सुनाई देता है जब कोई वाहन जैसे कि फाइटर जेट ध्वनि की गति को पार करता है, लेकिन सूत्रों के मुताबिक ऐसा कोई भी जेट वहाँ पर देखने को नहीं मिला। दूसरी वजह यह भी हो सकती है कि जब कोई विस्फोट होता है तब भी ऐसा सोनिक बूम सुनाई देता है, और कल सुनाई दिए सोनिक बूम का सेंटर डेरा गाजी खान में होने की बात सामने आई है। वहाँ के लोगों में काफ़ी भय का माहौल है और प्रशासन कोई भी विश्वसनीय कारण नहीं बता पाया है, जबकि जैसे कि आप वीडियो में देख सकते हैं कि कई सारे रेंजर्स के व्हीकल्स, एम्बुलेंस और फायर ब्रिगेड भी उस तरफ रवाना हो गई हैं। अनुमान ये लगाया जा रहा है कि यह संभवतः अंडरग्राउंड न्यूक्लियर फैसिलिटी में ब्लास्ट हुआ है, जिसकी ध्वनि 50 किलोमीटर दूर तक सुनाई दी थी। अंडरग्राउंड होने की वजह से सरफेस पर तुरंत उसकी असर देखने को नहीं मिली, लेकिन आने वाले 24 से 48 घंटे के बाद इसका स्पष्टीकरण मिल पाएगा। और अगर ये आशंका सही निकली तो भारत के सीमावर्ती इलाकों में इसका असर देखने को आने वाले दिनों में मिलेगा। तो आशा करते हैं कि भारत की सरकार इस पर नज़र गड़ाए हुए रहेगी और ज़रूरी कदम भी उठाएगी। सीमावर्ती इलाकों में स्थित सभी लोगों को इस बात से आगाह करें और वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी दबा दें। इस खबर में जो भी डेवलपमेंट्स होंगी उसके ऊपर हम वीडियोस शेयर करते रहेंगे। जय हिंद।